नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑलवेज न्यू मूवी अपडेट्स। बिग बॉस 14 शुरू हो चुका है, लेकिन अभी भी मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है कि बिग बॉस 14 से ज़्यादा इस बंदे की चर्चा हो रही है। इस बंदे की चर्चा हो रही है जी दोस्तों, आसिम रियाज। बस सभी न्यूज़ चैनल, सभी आर्टिकल, सब जगह पर एक ही नाम चला है कि कब आसिम रियाज बिग बॉस में आने वाले हैं। हमें पता है कि टीआरपी के लिए सीनियर्स को ऐड किया गया है, चाहे हम सिद्धार्थ की बात करें, गौहर की बात करें, हीना की बात करें, लेकिन कुछ हद तक ये सक्सेस भी रहे हैं, लेकिन ऑल आप कह सकते हैं दो के दो हफ्ते, पूरे के पूरे दिन ऐसा नहीं रह पाया। और हमें पता है कि एक शॉकिंग जो हुआ था, जहाँ पे हमें देखने को मिला था कि जब इविक्शन हुआ घर से सारा गुरपाल का, तो वहाँ पे लोग भी काफ़ी नाराज़ हुए कि कैसे किसी तीन लोगों को आप ये मौका दे सकते हैं कि वो चूज़ करेंगे कि कौन घर में रहेगा और कौन नहीं, ये बिल्कुल अनफेयर है, इस तरह से उन्होंने कहा था। अब यहाँ पे एक बड़ी न्यूज़ आ रही है, जहाँ दोस्तों द खबरी की तरफ से हमें कहीं ना कहीं ये न्यूज़ सुनने को मिल रही है कि अब आगे, यानी कि दो हफ्ते ये सीनियर्स रहेंगे, उसके बाद कौन, तो न्यूज़ आ रही है कि उसके बाद एंटर होने वाले हैं आसिम रियाज। मैंने आपको कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, फिर कहूँगा कि अभी ये कन्फर्म नहीं हुआ है। साथ ही साथ और किसके नाम आ रहे हैं यहाँ पर, नाम जुड़ रहे हैं एक और ज़बरदस्त खिलाड़ी का, जिनका नाम है गौतम गुलाटी। जहाँ दोस्तों गौतम गुलाटी भी अपने सीज़न के आप कह सकते हैं विनर थे, और इनकी भी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, इनको भी लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो तीसरा जो इसमें ऐड होने वाला है, आप लोग सोच रहे होंगे मैं नाम लेने वाला हूँ यहाँ पे शहनाज गिल का, जी नहीं दोस्तों, तीसरा नाम कहीं ना कहीं यूनिक नाम है, यूनिक नाम इसमें ऐड हो रहा है, जो कि है रश्मि देसाई। जहाँ दोस्तों बिग बॉस के 13 सीज़न में आपने इन्हें देखने को मिला था आपको, तो इन्होंने काफ़ी अच्छा एंटरटेन किया था, तो कहा था कि ये सीनियर्स के रूप में जाने वाले तीन लोग। अब शहनाज गिल क्यों नहीं होने वाली, उसके बारे में मैंने पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया है कि शहनाज गिल ने खुद ही मना किया है कि मैं बिग बॉस में क्यों जाऊँ। वेल, देखते हैं इन तीन सीनियर्स के बाद बिग बॉस में कौन जाता है। सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।